विश्वकर्मा थाना पुलिस एक्शन में 229 वाहन जब्त। बेवजह घूम रहे लोगों पर लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी। पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे लॉकडाउन आदेशों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ विश्वकर्मा थाना पुलिस सख्त है। पुलिस बेवजह घूमने वाले लोगों के 229 वाहनों को जब्त कर उनके चालान काट रही है और जो वाहनों को सीज कर रही है। जानकारी के अनुसार विश्वकर्मा थाना प्रभारी मांगीलाल विश्नोई ने बताया कि जब से लॉकडाउन चला है तब से पुलिस थाने के सामने नाकाबंदी लगा रखी है, जहां लोग बेवजह घूम रहे हैं, वाहन चालक से पूछताछ करती है, चालक संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाते और बाहर जाने का कोई कारण भी नहीं बता पाते। इस पर जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर शनिवार तक 60 फोर व्हीलर, 7 थ्री व्हीलर, 162 मोटरसाइकिल को पुलिस जब्त की है। विश्नोई ने बताया कि बिना किसी कारण लोग अपने वाहन इधर उधर लेकर घूमते हैं और पुलिस ने इस संकट की घड़ी में सभी को समाज का दुश्मन बताया। दूसरी ओर पुलिस ने बताया कि बिना किसी काम ही घूम रहे लोगों व झुंड बनाकर बैठे लोगों पर पुलिस का रवैया सख्त होगा। पुलिस दिन भर क्षेत्र में अब घूमेगी व लोगों को एक जगह इकट्ठा होने नहीं देगी। थाना प्रभारी मांगीलाल विश्नोई का कहना है कि लोगों से अपील है कि वे धारा 144 की सख्ती से पालना करें और खाद्य आपूर्ति के लिए निर्धारित समय में दी गई छूट के दौरान ही घरों से निकले। निर्धारित समय की छूट के दौरान भी घरों से दुपहिया चौपहिया वाहन से न निकलें। जरूरी होने पर निर्धारित दूरी बनाते हुए पैदल ही घरों से निकले। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए अपने अपने घरों के बाहर निकलने से बचे और प्रशासन का सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव राजस्थान, जयपुर।